आज दोस्तों मैं आपका दोस्त अब्दुल कुरत आज फिर एक नए टॉपिक्स पे आपके सामने मैं वीडियो लेके हाजिर हुआ हूँ। तो अभी आप देख सकते हैं ये हमारा टूल जो हमने सजाया हुआ है। तो दोस्तों हमें जाना है ब्रेकडाउन पे। हमारे एक दोस्त का फ़ोन आया है कि उनके एक दोस्त है, उनके ट्रैक्टर में प्रॉब्लम्स है, वो स्टार्ट नहीं होता है। अगर स्टार्ट हो भी जाता है जबरन तो ये चलते चलते रुक जाता है। तो उसमें से क्या वजह है तो हम आपको आज शेयर कराएंगे। हमारे इधर बगल में एक गांव है सिमलिया, वहां हमें जाना है। तो हमारे दोस्त है, एक अजीत दोस्त है हमारे, मेहुल पटेल, तो उनके एक दोस्त का ये ट्रैक्टर है आइसर 368 368। तो उसमें ये प्रॉब्लम है, हमें ट्रैक्टर ओनर का नाम मालूम नहीं। हम आपको उनसे परिचय कराएंगे वहाँ जाने के बाद। तो अभी हम वहाँ जाने के लिए ये हमारी बाइक हीरो डिलक्स दोस्तों आप देख सकते हैं, तो हम ये लेके हम जाएंगे ब्रेकडाउन के लिए। तो हम आज आपको सिमलिया गांव की सैर कराएंगे दोस्तों। तो वहाँ जाने के बाद उसका मेन रीज़न क्या है वो हमें पता लगाना है, क्यों ये चलते चलते रुक जाता है और स्टार्ट नहीं होता है। तो अभी ये हमारा लड़का एजाज, आप बाइक चलाओ, मैं पीछे से शूट करूँगा। आज आप बाइक चलाओ। तो आज हमारे लड़का एजाज जो हमारा मैकेनिकल है, बहुत शरारती है, अभी आप देख सकते हैं ये बाइक चला है। तो अभी हम निकल चुके हैं हमारी वर्कशॉप से। तो हमारा ये पालेज, जो हमारा पालेज है, आज हम आपको पालेज बाज़ार की भी सैर कराएंगे। तो ये हमारा बस स्टैंड और यहाँ से राइट पे फिर लेफ्ट में ये बाज़ार, ये पालेज गांव का बाज़ार है, आप देख सकते हैं। बाज़ार के बाद जो हमारा रेलवे क्रॉसिंग है वो भी हमने पार कर लिया है। तो ये आमली स्टैंड जिसे कहा जाता है, तो हम निकल चुके हैं इधर से। ये मेन भरूच पालेज रोड है दोस्तों, ये यही है। तो हम जाएंगे सिमलिया गांव की सैर कराएंगे। तो अभी आप देख सकते हैं ये सिमलिया रोड, यानी ये पालेज भरूच मेन रोड है, टंकड़िया कम्बोली यही लाइन सब गांव आते हैं। तो अभी यहाँ की आप फसल देख सकते हैं, ये कॉटन पूरा बहुत बढ़िया है किसी का। और अभी ये बारिश का मौसम है तो पूरी हरियाली। ये सालिया हॉस्पिटल बहुत बड़ा हॉस्पिटल है, फिलहाल बंद पड़ा हुआ है ये सालिया हॉस्पिटल दोस्तों, अगर आपने नाम सुना ही होगा कहीं तो। तो ये सालिया हॉस्पिटल आप देख सकते हैं, ये बहुत बड़ा हॉस्पिटल था, अभी है लेकिन ये फिलहाल बंद है, नॉन यूज है। तो शायद आप देख सकते हो वो सामने दिख रहा है वही सिमलिया गांव दोस्तों। और ये आप कॉटन देख सकते हैं किसी का, माशाल्लाह बहुत ही बढ़िया, ये पूरा कॉटन, यहाँ पे कॉटन की फसल ज़्यादा है। तो हम 2 मिनट में सिमलिया गांव पहुँचने वाले हैं। क्या हो भैया, ये ऑटो वाला कुछ बोले ऐसे ही। तो ये शायद ये सिमलिया गांव का टर्न है, तो हमें राइट, और यहाँ पे ये बोर्ड टूट चुका है दोस्तों, ये सिमलिया गांव का बोर्ड आप देख सकते हैं ये टूट चुका है, चलता है हमारे देश में ऐसा सब। चलो खैर, तो अभी अनकरीब में हम, हाँ तो दोस्तों ये सिमलिया गांव आ चुका है। और ये कई सर आप देख सकते हैं यहाँ पे भी, ये गांव छोटा है लेकिन यहाँ पे सब किसान लोग हैं और ट्रैक्टर बहुत ज़्यादा है यहाँ पे भी। तो ये हमारे दोस्त यहाँ पे बाइक लेके खड़े हुए हैं, तो हम यहाँ से बाइक चेंज कर लेंगे, हमें यहाँ से राइट लेना है। ये भी आई सर, ये भी 368 है, तो हम यहाँ से बाइक चेंज करते हैं। हमारे मेहुल दोस्त आ चुके हैं, तो अभी आप देख सकते हैं ये हमारे मेहुल जो हमारे दोस्त हैं उनकी बाइक पे हम, तो ये उनका मंदिर गांव का, ये धार्मिक स्थल है उनका मंदिर, हमें मालूम नहीं ये कौन सा मंदिर है, ये बोर्ड शायद। तो अभी हम आ चुके हैं इनके मोहल्ले में दोस्तों। तो अभी हम ट्रैक्टर ओनर, ये जो हमारे साथ में है बाइक वाले, ये ट्रैक्टर ओनर है और ये हमारे दोस्त हैं मेहुल, और इनका ट्रैक्टर साइड में रखा हुआ है, हम आपको बताते हैं अभी।
ये रहा इनका ट्रैक्टर, तो हम इसे जल्दी से देखते हैं और ट्रैक्टर ओनर को ही खुद पूछते हैं कि उसमें ऐसा क्या प्रॉब्लम्स है, तो हमें आप बताएंगे कि क्या हो रहा है और उनसे भी परिचय कराते हैं हम आपको। तो ये आई सर 368। डीजल से ते आना है सर क्या यहाँ गाड़ी खड़ो ने डीजल बटा रहा है डीजल से आ ही जाए बाकी आप लोग। हाँ तो ये है हमारे दोस्त, देखो आप खोलिंग जो ये खोलो तो अभी ये पूरा मोहल्ला है इनका, ये सिमलिया गांव है और ये ट्रैक्टर ओनर है और ये हमारे दोस्त है मेहुल मेहुल पटेल, ट्रैक्टर ओनर निकुंज पटेल, ये निकुंज पटेल है वो बता रहे हैं। तो अभी हम इसे देखते हैं कि उसमें मेन रीज़न क्या है, ऐसा क्या प्रॉब्लम है, तो हम आपको बताते हैं खोलने के बाद। हाँ तो दोस्तों अभी आप देख सकते हैं कि यहाँ पे डीजल नहीं आ रहा है, तो इसका प्रॉब्लम यहाँ पे है और मैं बहुत खुश हूँ कि ट्रैक्टर ओनर को इतना तो मालूम है कि यहाँ पे कोई प्रॉब्लम है। तो हमें ये सबसे पहले इसका जो डीजल टंकी में जो फिल्टर रहता है दोस्तों, जहाँ पे इसका ये कॉक साइड में दिया हुआ है आप देख सकते हैं डीजल कॉक, तो यहाँ पे डायरेक्टली टंकी के अंदर में एक फिल्टर लगा रहता है। तो ट्रैक्टर ओनर ने सही बताया कि यहाँ पे ही प्रॉब्लम है, तो ये बात उनका सही है कि यहाँ पे प्रॉब्लम है। तो हम इसे जल्दी से खोल लेते हैं और बताते हैं दोस्तों कि इसमें ऐसा मेन रीज़न क्या है। तो हम इसे खोल लेते हैं जल्दी से। हाँ तो दोस्तों अभी आप देख सकते हैं कि ये पूरा सेफ्टी फिल्टर आप देख सकते हैं बुरी तरह से जाम है, ये उसमें पूरा कचरा मट्टी सब लगा हुआ है, तो इसी की वजह से ट्रैक्टर में डीजल ना मिलने की वजह से ही ट्रैक्टर स्टार्ट नहीं हो रहा है और चलते चलते रुक जाता है, ये इसका मेन प्रॉब्लम है। तो ऑलरेडी हमारे पास में ये फिल्टर है, तो हम इसका डीजल कॉक का फिल्टर चेंज कर लेते हैं, ये नया ऑलरेडी हमारे पास में है। तो दोस्तों इसे हम जल्दी से फिटिंग करने के बाद इसका एयर निकाल लेते हैं और उसके बाद हम आपको ट्रैक्टर स्टार्ट करके बताते हैं। और आपको भी अगर आप ट्रैक्टर ओनर हो तो आपको भी इतना मालूम होना चाहिए कि इसको प्रॉब्लम कहाँ पे, जैसे ये ट्रैक्टर ओनर को इतना तो मालूम था कि यहाँ पे ही प्रॉब्लम है, यानी इन्होंने खोल के चेक किया होगा कि यहाँ पे डीजल नहीं आता है। हमने उसका एयर निकाल लिया है, तो हम ट्रैक्टर को स्टार्ट करके आपको बताते हैं। दोस्तों अभी ये ट्रैक्टर स्टार्ट हो चुका है आप देख सकते हैं, तो आप समझ गए शायद कि इसमें ये डीजल ना वलने की वजह से ही ये ट्रैक्टर स्टार्ट नहीं होता था और चलते चलते अचानक से रुक जाता था। इसका मेन रीज़न था ये डीजल कॉक का फिल्टर जो रहता है सेफ्टी फिल्टर, वो जाम हो चुका था। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो उसे शेयर सब्सक्राइब और लाइक करना ना भूले, और ज़्यादा से ज़्यादा हमारे और किसान भाइयों में भी शेयर करें। तो हम जल्दी ही मिलते हैं कोई नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद।